हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल देसी स्टेशन। देसी स्टेशन इस वीडियो में आपको घुमाएंगे मध्य प्रदेश के अनोखे और ऐतिहासिक शहर में, जो कि है मांडू। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और घूमिए मांडू। मांडू इंदौर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर धार जिले में स्थित है। लगभग 650 मीटर की हाइट होने के कारण मांडू पहुंचने के लिए आपको टेढ़े मेढ़े इंटरेस्टिंग रास्ते और लगभग 7 गेटों को क्रॉस करना होगा। अब हम एंटर करने वाले हैं मांडू के मोस्ट डिमांडिंग प्लेस जहाज महल में। जहाज महल में एंटर करने के लिए आपको 25 रुपीस पर पर्सन के हिसाब से एंट्री टिकट यहां से कलेक्ट करना होगा। महल के इतिहास और फैक्ट्स और भी करीब और गहराई से जानने के लिए अगर आप गाइड लेना चाहें तो आपको महल के बाहर ही मिलेंगे। वो लगभग 400 रुपीस पर ग्रुप चार्ज करेंगे। इस महल का निर्माण खिलजी वंश के द्वारा सन 1469 से 1500 ईस्वी के बीच में करवाया गया। इस महल का उपयोग वो अपने हरम के लिए किया करते थे। जहाज महल दो कृत्रिम झीलों कपूर तालाब और मुंद तालाब के बीच में है। दूर से देखने पर जहाज महल को ऐसा लगता है कि ये पानी के बीच में तैर रहा है, इसलिए इसका नाम जहाज महल दिया गया है। ये अपने सुंदर मेहराबों और मंडपों के लिए फेमस है। मांडू शुरू से ही बहुत पुरानी और सुरक्षित सत्ता मानी जाती है। यही एक कारण है कि खिलजियों ने यहाँ पे अपना हरम रखने की सोची होगी। खिलजियों के पहले यहाँ पे कई हिंदू राजाओं का शासन रहा, जिनमें से परमार मुख्य है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ के वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग लोकेशन हिंडोला महल की ओर। टी शेप में बने इस महल में कोई छत नहीं है और इसकी दीवारें लगभग 60 डिग्री अंदर की ओर टिल्टेड है। इस महल का उपयोग लोग उस समय झूला झूलने के लिए किया करते थे। मांडू के इन स्ट्रक्चर्स को कई स्टेजेस में बनाया गया। सबसे पहले परमारों ने इसका निर्माण स्टार्ट किया और आखिरी आते आते मुगल्स ने इसका निर्माण कंप्लीट कराया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं चंपा बावड़ी और हमाम की ओर। ये चंपा बावड़ी है जो लगभग 3 मंजिल तक नीचे पानी में डूबी हुई है और ये ब्यूटीफुल रूफटॉप स्विमिंग पूल है मुगल्स के टाइम का, जिसमें बारिश का पानी भर जाता था और वो यहाँ पे ओवरफ्लो के माध्यम से नीचे वाले स्विमिंग पूल में जाता था। इसकी दीवारें 3 मीटर मोटी हैं। और ये उस समय का इंडिया का इकलौता ओपन एयर थिएटर हुआ करता था, जो कि सिर्फ मांडू के महल में है। यहाँ पे चेंजिंग रूम और बैकग्राउंड चेंज करने के लिए ग्लासेस की अरेंजमेंट थे। और ये है मांडू की विशाल बारादरी, यहाँ पे सभा हुआ करती थी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं मांडू के महल में बने वातानुकूलित रूम्स की ओर। लेक से सटे हुए होने के कारण और तल से 2 फ्लोर नीचे होने के कारण ये रूम्स वातानुकूलित हुआ करते थे। यही वो लेक है जिसके वाटर से बेडरूम्स को क्रॉस वेंटिलेशन मिला करता था। जहाज महल का टूर कंप्लीट करने के बाद अब बारी है रूपमती पवेलियन की। रूपमती पवेलियन को देखने के लिए आपको काफी सारी सीढ़ियां चढ़ने की मेहनत करनी पड़ेगी। बाज बहादुर अकबर के समय में मांडा क्षेत्र का सेनापति हुआ करता था। रूपमती उनकी प्रेमिका थी, वो सुर साम्राज्ञी थी। रूपमती धर्म से हिंदू थी और वो रोज नर्मदा के दर्शन किए बिना अन्न जल ग्रहण नहीं किया करती थी। तो फ्रेंड्स, ये है रानी रूपमती पवेलियन। रानी रूपमती यहाँ पे आकर नर्मदा जी के दर्शन किया करती थी। ये सिर्फ बॉर्डर पे बना हुआ एक पवेलियन है। ज्यादा हाइट पे होने के कारण यहाँ से दुश्मनों पर आसानी से नजर रखी जा सकती थी, इसलिए कोई भी तत्कालीन शासक इस पवेलियन का इस्तेमाल अपने राज्य की रक्षा के लिए किया करता था। यहाँ पे सेनाएं, उनके औजार, हाथी, घोड़े सभी को रखने की व्यवस्था थी। इन दो मेहराबों का निर्माण बाज बहादुर के द्वारा रूपमती के लिए करवाया गया था। पहले मौसम और आकाश साफ हुआ करता था। इस रास्ते से जाकर
रूपमती नर्मदा जी के दर्शन करती थी। और यहाँ से देखने पर यहाँ का नजारा बहुत ही सीनिक था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं पवेलियन में ही बने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की ओर, जहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस में वाटर को फिल्टर किया जाता था। और ये है उस जमाने का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, जहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस में रेत चारकोल का इस्तेमाल करके पानी को पीने योग्य बनाया जाता था। रूपमती पवेलियन से आगे बढ़ने पर सीधे ही बाज बहादुर का महल दिखाई देता है। यह है रूपमती के प्रेमी सेनापति बाज बहादुर का महल। हम आपको अभी उस लोकेशन पर ले चलेंगे। सो फ्रेंड्स, ये है मांडू का नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो है बाज बहादुर पैलेस। बाज बहादुर अकबर का सेनापति हुआ करता था, जिसे मालवा का एरिया दिया गया था। बाज बहादुर को संगीत सुनना पसंद था और इस महल में इको भी होता है। इस पैलेस के बीच में आप ब्यूटीफुल सा लेक देख सकते हैं, जो कि मैनमेड है। इस पैलेस का उपयोग जनरली संगीत सुनने के लिए किया जाता था। संगीत के शो यही हुआ करते थे। यहाँ पे बाज बहादुर रूपमती का संगीत सुना करते थे। इसका निर्माण 1508 में हुआ। संगीत ही वो सबसे बड़ी कड़ी थी जो बाज बहादुर को रूपमती से जोड़ती थी। आप जब भी मांडू आए, यहाँ पे एक डिफरेंट किस्म की इमली मिलती है, उसे आप जरूर लें। ये इस पैलेस का टॉप व्यू है। यहाँ से आप गार्डन और गुंबज देख सकते हैं। एक टाइम पे अधम खान की सेना ने जब मालवा के सुल्तान बाज बहादुर पर अटैक किया, तो उसमें बाज बहादुर की हार हुई। उसी समय रूपमती ने पॉइजन ले लिया और इनकी प्रेम कथा अमर हो गई। ये रेवा कुंड है, यहाँ हमेशा पानी रहता है। मौसम ठीक ना होने की वजह से यदि नर्मदा जी के दर्शन ना हो तो रूपमती रेवा कुंड के ही दर्शन किया करती थी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं जामी मस्जिद, अशरफी महल और होशंगशाह के मकबरे की ओर। जामी मस्जिद में एंटर करने के लिए आपको 25 रुपीज पर हेड का टिकट कलेक्ट करना होगा। उसके बाद ही आप यहां पे एंटर कर सकते हैं। और ये है लेट 16th सेंचुरी का जामी मस्जिद। ये जामी मस्जिद की गुंबजे हैं, जो बहुत ऊंची हैं। जामी मस्जिद विजिट करने के बाद हम आगे बढ़े इसके जस्ट पीछे एक नए डेस्टिनेशन पर, जो था होशंगशाह का मकबरा। 15th सेंचुरी के स्टार्टिंग में होशंगशाह ने खुद अपने मकबरे का निर्माण शुरू किया था। बाद में खिलजी वंश के महमूद ने इसे कंप्लीट करवाया। मस्जिद के ठीक पीछे बना ये मकबरा प्योर संगमरमर से बना हुआ है। इसके चारों ओर वेल मेंटेन्ड गार्डन है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अशरफी महल की ओर। ये जामी मस्जिद के ठीक सामने है। कुछ लोग इसे विजय स्तंभ भी कहते हैं। यही सेंटर पर ही राम जी का अति प्राचीन मंदिर है। मंदिर दर्शन के बाद नेक्स्ट इंटरेस्टिंग डेस्टिनेशन था सनसेट पॉइंट। पहाड़ियों के बीच में सनसेट होता हुआ देखना यहां से बहुत ही अलग नजारा होता होगा। आई होप कि आपको आज का इस मांडू ट्रिप का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल देसी स्टेशंस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम इस चैनल पर इसी तरह के नए नए ट्रैवल डेस्टिनेशन पर वीडियोस बनाते रहते हैं।